सम फोर क्या कहता है, PH Limited has specified in manufacturing of three kinds of sub-assemblies required by the manufacturing of certain equipment. The current pattern of sale of sub-assemblies is in the ratio of 1 to 4 PQR. PQR को आप किस सीक्वेंस में सेल करते हो? 1 to 4 के सीक्वेंस में. 1 to आपका सेल रेशियो क्या है? 1 to 4. द सब असेंबली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट. PQR का सेलिंग प्राइस दे रखा है कि ये 430, 500 और 600 आपका सेलिंग प्राइस है. रिक्वायरमेंट क्या है कंपोनेंट की? इसको बनाने के लिए एक फ्रेम लगता है PQR पे, एक 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 उसका प्राइस है 40. पार्ट एक्स लगता है PQ बनाने के लिए 10, Q को 2 और R को 6, इसका प्राइस क्या है 16. पार्ट वाई को बनाने के लिए ऐसे ही 2, 14 और 10, इसका रेट ये है, ये आपको दे रखे हैं. द डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच ऑफ सब असेंबली आर दिए, ये देख रखे हैं आपको लेबर. P को बनाने के लिए स्किल आवर कितने लगते हैं? 4. Q के लिए 3 और R के लिए 3. वेजे आवर रेट क्या दिया हुआ है? 6. अंश के लिए और इतने लगते हैं और आवर दे रेट दिया. द लेबर वर्क फॉर 8 hours a day, 25 days a month. क्लियर दे रखा है कि 25 दिन काम करेंगे, 8 घंटे होंगे. एक महीने का आपके पास 300 का लेबर आवर आ गया. वेरिएबल ओवरहेड पर असेंबली आर 10,800, ये आपको वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं. ये वेरिएबल ओवरहेड है, एक्सपेंसेस नहीं है. मटेरियल ये लगेगा, ये मटेरियल दे रखा है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लेबर दे रखी है और ये वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं. फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड पर मंथ इज एज अंडर, ये आपके फिक्स ओवरहेड है टोटल. ऑल फिक्स ओवरहेड आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट द ईयर बराबर ही होते हैं. तो आप ये यूम कर सकते, मतलब पर मंथ कितने होएंगे डिवाइडेड बाय 12. द टारगेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 120 लाख बिफोर टैक्स, कि आपको 120 लाख का प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स. द कंपनी हैज ए प्लान टू रिड्यूस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सब सेंसली एंड कंपोनेंट बाय 10% एज कंपेयर टू द ओपनिंग स्टॉक, बट उसने क्लोजिंग स्टॉक 10% कम रखना है. इसका सारे मैंने बहुत दिमाग लगाया बट इस लाइन का यहाँ पे कहीं भी इनपुट आ ही नहीं पाया. फाइंड द सेल इन क्वांटिटी, अब अपने सेल क्वांटिटी निकालनी है. किसको ध्यान में रखते हुए कि प्रॉफिट अपना डिजायर दे रखा है कि 120 लाख रुपया प्रॉफिट चाहिए हमें, अब सेल क्वांटिटी निकालो. अब आप सेल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप कॉस्टिंग निकालेंगे. सेल वैल्यू कुछ दे रखी है, अपने को टोटल कॉस्ट दे रखी है, ठीक है. सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, बस खत्म. कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है. सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे. उसको अब अपने को कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. अब अपने कंट्रीब्यूशन कितना रखना है वो देखना है. अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए, एक मिनट. फिक्स एसेट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 15.8 प्लस 7.28 प्लस 6.76. फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 29,04,000. फिक्स्ड ओवरहेड बजट पर मंथ है ये 29.84 पर मंथ है, और पर ईयर कितनी होगी? 358.08, ठीक है. द बजट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 120.
अब आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करें कि अगर आपको साल में कितना प्रॉफिट चाहिए 120, तो मंथली कितना चाहिए 10 लाख। 10 लाख ही आएगा ना, अब देखो इसको हम कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि अपने पास दो चीजें दे रखी हैं कि फिक्स कॉस्ट मेरे को इतनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए पर मेरे को तो 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, बात खत्म। 10 लाख का प्रॉफिट कैसे आएगा, आपके वेरियस एक्सपेंसेस तो सारे कवर हो जाएंगे, उसके बाद फिक्स कॉस्ट कवर करनी है और 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आपको कितना चाहिए वो क्लियर हो गया कि आपकी रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 29.84 प्लस 10 लाख, आपको 39.84 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन आपको दे ही रखा है, मतलब हम निकाल लेंगे, सेल प्राइस दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो अपने सेल क्वांटिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, अपने को रेशियो भी दे रखी है सेल, तो आप उसकी पर यूनिट रेशियो भी निकाल लेंगे कि पर यूनिट कितना चाहिए। अब आप स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्या है वो आपको गिवन है, पी क्यू और आर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपके पास 430, 500 एंड 600। फिर अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें, मटेरियल कितना लगता है, फ्रेम एक एक लगता है, 40 प्राइस है, 40 आ गया। पार्ट एक्स कितना लगेगा, ये तो क्लियर है ना सारा कैसे कैसे आएगा, 107, 32, 96। वाई कितना लगेगा, 20, 140 एंड 100। जेड लग रहा है आपका 48, 60 एंड 12। वेजेस कितनी लग रही हैं, स्किल ट्वेंटी फोर एटीन, अनस्किल लग रही हैं 20, 20, 30। वेरिएबल ओवरहेड आपको दिया हुआ है 10, 8, 7। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 322, ये आ गया आपका 318 और ये आ गई 303, ये आ गया आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 430 माइनस 322 108, ये कितना आ गया 364 नहीं 182 और 600 माइनस 303 297। यहां तक तो क्लियर है अपने को कि ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब अपने को टोटल सेल वैल्यू दी हुई है, उससे अपने क्वांटिटी निकालनी है। अब पी की कितनी, क्यू की कितनी, आर की कितनी, तो अगर अपने को सेल मिक्स दिया होता है ना, तो आप एज ए मिक्सर इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हो कि अगर मैं एक यूनिट सेल करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट कितना आएगा। तो जो आपको इसका रेशियो दिया होता है आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, उसका एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हो। इट इज मैथमेटिक कि अपने अब एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना है। अब देखो उसका मीनिंग क्लियर है ना कि पी क्यू आर हम किस रेशियो में सेल करते हैं, 1:4 में। मतलब अगर हम 7 यूनिट सेल करेंगे तो एक पी का, 2 क्यू के और 4 आर के करेंगे, यही मीनिंग है ना। अब आप इसके 7 यूनिट सेल करते हैं तो अगर इसका एक यूनिट करेंगे, इसके कितने करेंगे 2, तो इसके कितने करेंगे 4। तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना आएगा,
अपना कंट्रीब्यूशन कितना आएगा पी क्यू और आर का, अगर इसका एक यूनिट सेल किया तो 108 रुपए आप कंट्रीब्यूशन था अपना, 108 रुपए आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इससे। इसके दो यूनिट सेल करेंगे इसका कितना आ जाएगा 364 182 into 2, इसका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 182 था ना, इसका था 108 into 1। थर्ड का कितना आ जाएगा 1188, वो कैसे आया 297 into 4। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 1660। ये कितने यूनिट सेल करने पे आया 1660। प्रॉफिट को नहीं, एक मिनट, एस भी निकल सकता है कि आप अपना डिजायर प्रॉफिट कितना है 10 लाख है तो उसको नहीं कर पाए क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का भी कंटेंट है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसे भी करते हैं आप, मुझे लगता हो जाएगा कि अगर अपना सेल वैल्यू दी हुई है ना अपने को, सेल वैल्यू टोटल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है ना, तो ऐसे भी करके देखते हैं आपका। तो आपका एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, मतलब आपके 7 यूनिट सेल करने पे 1660 का कंट्रीब्यूशन है तो एक पे कितना आ जाएगा 237.14, ये डिवाइडेड बाय 7 से आ गया। अब अपने को प्रॉफिट टोटल कितना चाहिए, 10 लाख प्रॉफिट चाहिए और 29.84 का फिक्स्ड कॉस्ट कवर करनी है, तो अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 + 29.84 इज इक्वल टू 39.84। पर यूनिट कितना आ गया, आप अपना पर यूनिट हो रहा है आपका 239, तो 39,84,000 डिवाइडेड बाय 237.14 इज इक्वल टू 16,800 यूनिट्स आ गए। ये आपके 16,800 टोटल यूनिट आ गए। अब इसको पी के ओ आर के रेशियो में बांट दें, पी कितना आएगा इंटू 1/7 into 1/7, ये आ गया 2400। Q कितना आ गया 2/7, ये आ गया आपका 48। R कितना आ गया 4/7, ये आ गया 9600। टोटल ये हो गया 16800। अब आप इसको चेक करो कि क्या उतना कंट्रीब्यूशन बन रहा है, तो आप इसको चेकिंग के लिए मल्टीप्लाई करो 2400 इंटू कितना कंट्रीब्यूशन है इस पे 108, 4800 इंटू 182 और 9600 इंटू 297, अगर इसको करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा अपना 39.84। अब अपन उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट के देखते हैं। अब अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए 39,84,000 चाहिए ना। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट थी कि अपने यहां तक पहुंचना है 2448 और 9600 पे। रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है 39,84,000, तो 39,84,000 को आप बांट दें 39,84,000 डिवाइडेड बाय 7, ऐसे करेंगे ना, तो पी की सेल वैल्यू आ गई, हाँ कंट्रीब्यूशन आएगा ना 569142। क्यू का कितना आएगा इनटू 2 1138285, आर का कितना आएगा इनटू 4
गलत कट गया ना, 1116 44,84,000 डिवाइडेड बाय 7 × 4 ठीक है, 22,76,571 7 × 2 ये भी ठीक है। ये टोटल कितना हो गया देखना, 5.69 प्लस 11.36 प्लस 22.76 ये हो गया आपका 39.84। ये अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, अब इसकी क्वांटिटी पे जाना है तो किससे डिवाइड करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सही है, 569142 डिवाइडेड बाय 108 ये क्या आ गया, 8 बट हमने यहाँ पे गलती की, फिक्स्ड कॉस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी उस रेशियो में अपने पास आ रही है, अपने को तो प्रॉफिट चाहिए 10,00,000। नहीं निकल पाएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट को अपन कहाँ डिवाइड करेंगे, इसके लिए अपने को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा पहले, मतलब जो अपने निकाला है वैसे ही होगा जी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को अपन कैसे वो करेंगे, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन ही फिक्स्ड कॉस्ट तो एक अलग सी चीज है भाई, कि अपने को जब कंट्रीब्यूशन आपके पास सही है, जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो लिमिटिंग फैक्टर है कि अपना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उन्होंने एवरेज अपने को बता रखी है, उससे अपन निकाल के इसका वो निकाल लेते हैं। क्लियर है जी? हाँ नहीं जरूरी, नहीं फिक्स्ड कॉस्ट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, अब आप प्रेजेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हो या वैसे ऐसे पूछ रहे हो तो नहीं करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूट, है ना, किस पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ क्योंकि नहीं हो रहा, हाँ डेफिनेटली, अगर आपने उसको बता रखा है कि पी पे फिक्स्ड कॉस्ट लगता ही नहीं तो उसको क्यों पे करेंगे, वो तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, कि अगर आपको ऐसा बता रखा है कि पी पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगता तो जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वही मार्जिन हो गया, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट अलग हो जाएगा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा कि यार इस पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगता, उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर्ड करना है, ठीक है ना, पर फिर भी वो फैक्टर में नहीं आएगा, पता क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं होगा ना, मान लो आप करोड़ पे फिक्स्ड कॉस्ट लगता है पर वो लगता है नहीं है, वो तो लग चुका, मान लो फिक्स्ड कॉस्ट तो हो ही जाना है, आप क्यों बनाओ ना बनाओ 500 बनाओ 800 बनाओ, तो इसलिए वो पार्ट में नहीं आएगा, उसके तो उसको चार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बिल्डिंग ले रखी है उसमें क्यों ही बनता है, तो उसकी चार्जिंग है जो फिक्स्ड कॉस्ट की क्यों पे करेंगे, जब क्यों की एक्सटेंडेड कॉस्ट बनाएंगे तो उसकी चार्जिंग उस पे करनी पड़ेगी, पर जब आप आज कंट्रीब्यूशन ढूंढ आज देखना चाह रहे हो कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूं, तो वो मैटर नहीं करेगी, वो तो हो चुकी, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल लेनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा। ये लिमिटिंग फैक्टर पे है क्वेश्चन नंबर 4th 5th, ये एक अपन लिमिटिंग फैक्टर का करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है पर अपन ये करते हैं, फिर आगे से जो इसके साथ वाले आएंगे वो अपन मिस करेंगे, ठीक है।
The sale cost, selling price and processing time of three different herbal drink produced by a company for the year just concluded are given below. और ये आपने एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना है कि जो अपने को डाटा दिया होता है वो पर यूनिट दिया है, पर ग्राम दिया है, पर आर दिया है, पर पैक दिया है, उसमें अगर गलती खा गए तो सारा सम बिगड़ गया। जैसे इसमें इसमें उन्होंने पर पैक दे रखा है, तो ये ध्यान में रखना है कि एवरीथिंग पर पैक ही है ना, कहीं बीच में एक कोई चीज एक लीटर तो नहीं डाल दी, वो चीज ध्यान में देखनी है। एनुअल सेल नंबर ऑफ पैक 250 ग्राम के पैक की एनुअल सेल स्ट्रॉन्ग मैन नॉर्मल मिल्ड की 6-5 और 1000 है। सेलिंग प्राइस भी पर पैक दे रखा है 50, 40, 30। यूनिट कॉस्ट 42, 36, 21। प्रोसेसिंग टाइम पर पैक पर आर 1.5, 1 और 2, मतलब पर पैक पे ही लगता है ये आगे आपका टाइम दिया होगा। द टोटल प्रोसेसिंग आर अवेलेबल टू द कंपनी इज फुली यूटिलाइज्ड फॉर द सेल, मतलब जितनी आपकी सेल है उस पे आपके टोटल प्रोसेसिंग आ रहे हैं जो वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फुली एब्जॉर्ब इन द कॉस्ट एट ए रेट ऑफ 200%। बस यही एक पॉइंट है जो यहां पे समझने वाला। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो हमने वो फुली चार्ज की हुई है कॉस्ट में 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब अगर ये 42 रुपए आपको यूनिट कॉस्ट दी हुई है तो उसमें 2/3 तो फिक्स्ड कॉस्ट है और 1/3 वेरिएबल कॉस्ट है। इस 36 में 2/3 फिक्स्ड कॉस्ट है और बाकी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट उसने फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। फॉर द कमिंग ईयर द डिमांड फॉर द थ्री प्रोडक्ट हैज बीन एस्टिमेटेड एज अंडर, ऊपर सेल दी थी अगले साल की डिमांड दे रखी है स्ट्रॉन्ग की 6000, 6000 और 2000, ये इसकी डिमांड दे रखी है हमें। कंसीडरिंग दैट द सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड, मतलब सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है एंड द प्रोसेसिंग टाइम कैन बी स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट लाइन टू अनदर, मतलब जो आपको प्रोसेसिंग टाइम है ये टोटल ये एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो सकता है। कैलकुलेट द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटिंग ईयर इंडिकेटिंग द इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है देखो, उसने कहा है कि आप बेस्ट प्लानिंग करो कि आपको कितना आप मटेरियल बनाओगे कि आपको बेस्ट प्रॉफिट हो, तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या दिया हुआ है, लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है, डिमांड भी लिमिटिंग फैक्टर है एक, और लिमिटिंग फैक्टर क्या है, प्रोसेसिंग आर, ये देखो द टोटल प्रोसेसिंग आर अवेलेबल टू द कंपनी इज फुली यूटिलाइज्ड फॉर दिस सेल, किसके लिए, इस सेल के लिए, मतलब इस सेल पे आपके जो घंटे लग रहे हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो मतलब टोटल जो प्रोसेसिंग आवर है इतने ही हैं, इसको आप एक से दूसरे पे स्विच कर सकते हो, वो लिमिटिंग फैक्टर है, सेल भी लिमिटिंग फैक्टर है। ऐसा नहीं कि उसके 12000 तो बना नहीं सकते कि सारी कंट्रीब्यूशन उठाकर उसके बढ़ा दो, दो लिमिटिंग फैक्टर है, पहले तो माल कितना कितना बना सकते हैं, फिर कितना कितना सेल कर सकते हैं, जितना बना सकते हैं और जितना सेल कर सकते हैं उससे आप उसकी प्रोडक्शन करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं अपने, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सेल क्वांटिटी कितनी दी है अपने को प्रेजेंट 6000, 5000 और 1000। टोटल यहां पे अपन निकाल लेते हैं, टोटल
कैपेसिटी अवेलेबल कितनी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी, या इसको बनाने के लिए कितने यूनिट लगते हैं, 1.5 आर लगते हैं, इसको बनाने के लिए 1 आर और इसको बनाने के लिए 2 आर, तो टोटल आर कितने आ गए अपने पास, 9000, 5000 और 2000, तो टोटल आपकी कैपेसिटी 16,000 आज है। वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है, 50, 40, 30, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 42 का 1/3, 42 divided by 3 इज इक्वल टू 14। इस केस में 36 divided by 3 12 और इसमें 21 divided by 3 कितने हुई, 7। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 50 था ना, 50 minus 14 36, 40 minus 12 28, 30 minus 7 21, ये आ गया आपका 23 आएगा। ओके ठीक। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो हम माल बनाएं कितना और साथ में ये बताना है कि अपना प्रॉफिट कितना डिक्रीज हुआ। पहले हम प्रेजेंट प्रॉफिट निकालें, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, 36 जितने यूनिट सेल हुए उतने ही तो आएगा इसका, 36 into 6000, 36 into 6000 उसका आ जाएगा आपका 28 into 5000 और 23 into 1000, टोटल कंट्रीब्यूशन ये आपका बन जाएगा 3.70 लाख का कंट्रीब्यूशन। प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करें, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, उसमें 36 में से 12 आपने निकाल दिया वेरिएबल, तो 24 क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हो रहा है ना, 36 में से, हाँ 42 में से 14 गया तो 28 आ गई, राइट, और इसमें आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई, सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 5000 से, उससे तो ये आ गई आपकी 168,000, 1.20 लाख और 0.14 लाख, ये होगी आपकी 3.02 लाख। प्रेजेंट प्रॉफिट आ गया आपका 77,000। अब आपने उसको बताना है कि हम प्रोडक्शन कैसे करें, लिमिटिंग फैक्टर क्या है अपना, अब उसके आगे अपने उसने अपने को दे रखी है सेल डिमांड कि आप 6000, 6000, 2000 तक बेच सकते हो, तो कैसे बनाओगे। आप देखें अब अपना कंट्रीब्यूशन कितना था और प्रोसेसिंग आवर्स के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, इस पे कितने आर लग रहे हैं, इस पे अपना पहले तो यहां पे कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना आया अपना, आप आगे सम पे चले गए इसलिए लिख रहे हैं अगले पेज पे, कंट्रीब्यूशन कितना था अपना, 36, 28 और 23, कितने आर लगते हैं इसको बनाने के लिए, 1.5, 1 और 2, तो पर आर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे कि पर आर कंट्रीब्यूशन किसका आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 36 divided by 1.5 कितना आएगा, 24, ये आएगा 28 और ये कितना आएगा, सॉरी
तो अब इसको रैंक देते हैं कि हम पहले कौन सा बनाएंगे, फिर कौन सा बनाएंगे, फिर कौन सा बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे दिस, फिर बनाएंगे दिस, और फिर बनाएंगे थर्ड वाला। अब 20 ये सबसे पहले बनाएंगे तो ये कितना बना सकते हैं, मैक्सिमम सेल डिमांड कितनी है आपके 6000। अब आप यहां से देखें तो अपना ये सेकंड वाले का क्या नाम दिया हो इन्होंने, नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल आप बनाएंगे 6000। कितने आर्स लग जाएंगे इस पे, 6000 इस पे लग गए। क्वांटिटी कितनी बनाई आपने, फिर आप बनाओगे ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कितना बनाओगे 6000। कितने आवर लग जाएंगे, 1.5, 9000 लग गए यहाँ पे। कितनी क्वांटिटी बना दी आपने, 6000। बाकी कौन सा बच गया आपका, ये मिल्ट 15000 तो घंटे निकल चुके, तो बाकी कितने घंटे बचे आपके पास, 1000। 1000 कितने लगते हैं इस पे, दो, तो ये क्वांटिटी कितनी आ गई, 5। ठीक है, ये अपनी डिजायर क्वांटिटी आ गई। इससे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6000 का कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन। 6000 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 36, 28 और 23। ये कितना आ गया कंट्रीब्यूशन, 6000 इंटू 36, 216000 आ गया, नहीं 6000 इंटू 36, 6000 इंटू 28 और 500 इंटू 23, 395,500 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 3,02,000, इसे से लेस कर दें 3,02,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया अपना, 93,500 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आपने डिवाइड कर देना आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया, 16,500 से। क्लियर। अब मेरे एक क्वेश्चन है इसमें कि यहां पे अपने को फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दी रखी थी, दी हुई है ना पी क्यू आर, तो जब अपन इसको मैन्युफैक्चर ऐसे किया तो उसको फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अपन ने फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं किया ना, अपन ने ऊपर कितने यूनिट बना रहे थे पहले उसके, 6000 और पहले सेल अपन ने कितनी की उसकी, 6000 5000 और 1000 की। यहां पे अपन कह रहे हैं 6000 5000 यूनिट बनाएंगे, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है तो फिक्स्ड कॉस्ट उतनी लगेगी कि इसके हिसाब से लगेगी, तो फिर पर यूनिट का क्या यूज हुआ, यस ये हमने उसको चार्ज किया हुआ है, क्या किया हुआ था। अगर यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए टू जेड खत्म, फिर तो ये वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, क्योंकि आपने शायद क्वेश्चन किया था कि इसका फिर पर यूनिट जो अपने वहां पे चार्जिंग की हुई है दैट इज एब्जॉर्प्शन, उसको हमने चार्ज किया हुआ है, भाई हमने इतना इतना बनाया था उसके हिसाब से इतना इतना इसको चार्ज कर दिया। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, ना ही कहीं प्रेजेंटेशन में दिखाना है, तो आपने सीधा प्रेजेंटेशन आएगी 3,95,000 प्रॉफिट लेस फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज दिस इज फिक्स्ड। कैसे कैसे बताओ, मैं समझा नहीं कैसे। हाँ अभी 19,000 कैसे लगेंगे, 6, 6 और 2 के हिसाब से। हाँ नहीं, उनका मैं जवाब देता हूँ। वो उन्होंने अपने को मैक्सिमम सेल बता दी कि भाई आप इसकी 6000 6000 2000 सेल कर सकते हो, मैक्सिमम सेल है,
उसके लिए बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए? 19,000। आपके पास कितने हैं? 16,000। तो आप तो 16,000 का ही कोर्स लगाओगे ना, 19,000 का थोड़ी। मैंने सेल में रिव्यू कर लिया कि भाई मेरी सेल प्लानिंग है, मैं 1,00,000 यूनिट बेच सकता हूँ, ठीक है, बट मैं बना तो 500 यूनिट ही सकता हूँ, तो 1,00,000 से क्या लेना देना, मैं तो 500 ही बना सकता हूँ, तो 500 का ही कोस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो इन्होंने लिमिटिंग फैक्टर के लिए दे रखा है मैक्सिमम सेल। अगर वो नहीं दे रखी होती लिमिटिंग फैक्टर, फिर क्या करते आप? अगर सपोज करो ये रेशो नहीं दी होती, फिर आप क्या करते? 6,000, 6,000, 2,000 नहीं दे रखा होता, फिर सम का आप क्या करते कि आप उसमें को रेशो बना के दो, फिर आप किस रेशो से सेल करते? फिर तो आप मुंह उठा के एक ही प्रोडक्ट बनाते, कोई सेल ही नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया? 16,000 घंटे हैं, इतना प्रॉफिट हो रहा है, यही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाते, क्योंकि जितनी बनाएंगे उतनी सेल कर देंगे। उसने आपको लिमिटिंग कर दिया भाई, ये 6,000 से ज्यादा नहीं बना सकते, तो उसको 6,000 बनाओ, फिर दूसरे पे आओ, वो कितनी बना सकते हो? करें फिर आज फिनिश। फिर आगे इन्होंने रेशो दे रखी है कि बजटेड की क्या रेशो है, वो डिस्कस करेंगे, उसमें भी समझने के लायक कुछ नहीं है। वो सिंपल क्या है रेशो होती है कि मैक्सिमम रेशो क्या है, स्टैंडर्ड रेशो क्या है, एक्चुअल रेशो क्या है, और एक्चुअल कैपेसिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड कैपेसिटी, मतलब जो नाम है वो उन्होंने रेशो दे रखी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो आप डिस्कस करेंगे, फिर इसके आप एक्चुअल सम्स पे पहुंचेंगे। इसमें जो अपन ये सम किया है, इसमें आपको कहीं लगा कि बजट का कोई रोल है? इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ये एक सम्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड का लगा लो, इसको मार्जिनल का लगा लो, इसको बजटी का लगा लो, सब एक ही बात है। बस सिर्फ कंसेप्चुअल समझने हैं आपने कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, बजट क्या है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। अच्छा जी, आया बोला।